क्या सोच रहे हो भाई? आपी, मैं सोच रहा था कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना? हाँ तो आपी, शैतान सारी बुराइयों की जड़ है ना? हाँ तो आपी, शैतान को किसने पैदा किया है? ये भी कोई सवाल है। अरे भाई, जाहिर है हर मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, तो शैतान को भी अल्लाह ने पैदा किया ना? यही तो आपी, मैं सोच रहा हूँ कि शैतान सारे फिसाद की जड़ है, तो अल्लाह ताला उसे पैदा ही क्यों है? आपी, अगर अल्लाह ताला से पैदा ही नहीं करते तो हम कितने सुकून में होते? उफ, मेरे अफलातून भाई, देखो मैं तुम्हें मिसाल से समझाती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारे एग्जाम हुए ना, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव में तीन तीन चॉइसेस होती है, और तीन चॉइसेस में से एक ठीक होते हैं और बाकी दोनों गलत होते हैं। क्या टीचर को इसका जवाब नहीं आता जो एक सही जवाब के साथ दो गलत चॉइसेस भी देती है? अब किसी ने कभी ये थोड़ी पूछा है कि टीचर एक जवाब के सही जवाब के साथ दो गलत जवाब क्यों देती है? ये सिर्फ हमारे इम्तिहान के लिए होता है। इस तरह ये शैतान का वजूद हम सब के लिए इम्तिहान है। अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि शैतान के रास्ते पर कौन है और रहमान के रास्ते पर कौन है। आपी, आपने इतना मुश्किल सवाल इतनी आसानी से हल कर दिया, शुक्रिया। Jamal.